मात्र 20 रुपए में हजारों रुपए वाली जैपनीज स्किन वाइटनिंग क्रीम आप बना सकते हैं अपने ही घर में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर जैपनीज स्किन वाइटनिंग क्रीम की, जो कि ये दावा करती है वो पहले एप्लीकेशन में ही आपको काफ़ी गोरा रंग दे देती है। तो क्या ये वाकई में मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको वो ही क्रीम सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में बनाकर दिखाएंगे। शायद 20 रुपए से भी कम इसकी कॉस्ट आएगी, लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको मिलेगा गोरा निखार। यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में डाला है लाइव रिजल्ट, मतलब कोई इसके अंदर झोलबाजी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको सिर्फ ट्रस्टेड रेमेडीज। दोस्तों अभी चल रहा है फेस्टिव सीजन, और आप भी अगर त्योहारों की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हैं अपनी स्किन को चमकाने के लिए, तो आप सही जगह आए हैं। जी हाँ, हमारे चैनल पर चल रही है फिलहाल फेशियल से भी ज्यादा ग्लो देने वाली होम रेमेडीज की बेहतरीन सीरीज, तो जरूर फॉलो कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। आज की रेमेडी भी बिल्कुल ऐसी है जो कि आपको फेशियल से भी ज्यादा ग्लो देगी। ना ही सिर्फ ग्लो देगी बल्कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपकी रंगत को निखार देगी। लाइव रिजल्ट के साथ हम लोग लेकर आए हैं ये रेमेडी। दोस्तों दरअसल जैपनीज क्या यूज करते हैं अपने रेमेडीज में, वो आपको पता होना चाहिए। वो यूज करते हैं राइस, चाहे वो बालों के लिए राइस वाटर हो या फिर आपकी स्किन के लिए हो राइस क्रीम। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं राइस क्रीम जो कि आपकी स्किन के रंगत को बहुत ज़्यादा निखार देगी पहले ही एप्लीकेशन में। आप लोग जब इसे ट्राई कर लेंगे तो आप रिजल्ट क्लियरली देखेंगे। तो ये कहते हैं कि आप ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता यूज़ करके देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उसकी अश्योरिटी हम दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी रेमेडी की, लेकिन वीडियो को पहले तो पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। दूसरा नीचे जो लाल बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिएगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक हम पहुँचने ही वाले हैं, और अगर वीडियो आज की पसंद आ रही है, रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, तो ज़रूर लाइक बटन दबा दीजिएगा, अभी दबा दीजिए, क्योंकि लाइव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये रेमेडी हमने स्पेशल त्योहारों के लिए बनाई है, फेस्टिवल्स के लिए बनाई है। आपको इस रेमेडी को सिर्फ सुबह के टाइम अप्लाई करना है, और शाम तक आपको फेशियल से भी अच्छा ग्लो मिल जाएगा। और अगर आप किसी शादी पार्टी या कहीं भी इंस्टेंटली फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं था पार्लर जाने के लिए, और आपकी फेस की स्किन काफी खराब सी लग रही है, तो आप इसे यूज कीजिएगा, और यकीन मानिए आप सेम डे ही पार्टी और शादी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी। दोस्तों आज की रेमेडी में इतना खास क्या है? आज की रेमेडी का स्पेशल इंग्रेडिएंट है राइस। जी हाँ, राइस जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जापानीज लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे खाना हो राइस, लगाना हो स्किन पर या फिर बालों पर, इसके रिजल्ट्स ही इतने अच्छे और औसम होते हैं। तो दोस्तों राइस में ऐसा क्या है? राइस में एंटी एजिंग क्वालिटीज़ होती हैं, आप ही मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। राइस आपकी स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन पर ना जल्दी झुर्रियाँ पड़ती हैं, ना रिंकल्स पड़ते हैं, फाइन लाइंस नहीं आती हैं जल्दी, और ये आपकी स्किन को टाइट बनाने का काम करता है, जिससे स्किन काफ़ी स्मूथ दिखने लगती है, और स्किन जब हेल्दी एंड स्मूथ हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ग्लो करेगी। और इसके अंदर होता है विटामिन बी, जो कि एक ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो ब्यूटी विटामिन है, ये आपकी ब्यूटी को बढ़ाने में काम करता है, जो कि चावल में पाया जाता है। इस रेमेडी के लिए आप किसी भी तरीके का चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या सिर्फ बासमती राइस यूज़ करना है? जी नहीं दोस्तों, कोई भी चावल, यहाँ तक कि अगर आप खिचड़ी वाले जो चावल होते हैं, छोटे छोटे चावल होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए। चलिए अब रेमेडी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? राइस। यहाँ पर हमने लिया है 1/4 कप राइस। अगर आप अपनी पूरी बॉडी पर इस रेमेडी को लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आप नहाने से आधा घंटा पहले इस रेमेडी को अपनी पूरी बॉडी पर, या फिर जहाँ पर आपको डार्क स्पॉट नज़र आ रहे हैं सिर्फ वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से मसाज कीजिएगा और उसके बाद 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिएगा, और गुनगुने पानी से नहा लीजिएगा, बढ़िया निखर कर आपकी बॉडी आएगी, गारंटेड बात। तो दोस्तों आपको राइस लेना है, उसके बाद आपको लेना है एक पैन। पैन के अंदर इन राइस को डाल देना है। यहाँ पर हमने 1/4 कप राइस लिया है, तो अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, एक बड़ा ग्लास, या फिर आपके पास नॉर्मल ग्लास है तो आप 1.5 ग्लास पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन राइस को अच्छे से गलाना है। अब क्योंकि हमने इन्हें भिगाया नहीं है तो ये ज़्यादा पानी लेंगे, अगर आप इन्हें भिगाकर यूज़ करना चाहते हैं तो वो और भी बढ़िया है। रात को इन चावलों को भिगा दीजिए, इनके अंदर फर्मेंटेड राइस की क्वालिटी बन जाएगी और वो आपको और भी बढ़िया निखार देगी।
फर्मेंटेड राइस यहाँ पे हमने इसलिए यूज़ नहीं किया है कि बहुत लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, रात को राइस भिगाना भूल भी जाते हैं, इसलिए हमने इंस्टेंटली ही ये रेमेडी तैयार कर ली है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पैन को गैस पर रख देना है और इसे पकने देना है लो फ्लेम पर। तब तक पकाना है जब तक कि ये राइस हाफ कुक नहीं हो जाते, पूरी तरीके से आपको इन्हें नहीं पकाना है। अब जो रात के भीगे हुए चावल हैं उसमें आप क्या करेंगे, उसमें सिर्फ आपको 20% वो चावल कुक करने हैं और उसके बाद एक स्पेशल इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करना है। देखिए जो राइस है वो हाफ कुक हो चुके हैं, इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, अब ये आधे पके हैं। जब ये पूरी तरीके से पक जाएंगे तो ये काफ़ी स्टार्ची से हो जाएंगे। तो ये हाफ कुक्ड राइस है, अब इसके अंदर बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट डलेगा जो कि स्किन वाइटनिंग में बहुत बढ़िया से काम करता है। वो क्या है, वो है दूध। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कच्चा दूध। फ़र्क नहीं पड़ता, आप कच्चा दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कीजिए या फिर उबला हुआ इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फाइनली वो उबल ही जाना है। तो इन राइस में आपको 1 कप कच्चा दूध डालना है। दूध हमने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि दोस्तों दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो कि स्किन वाइटनिंग में बहुत अच्छे से काम करता है। ये स्किन की डेड सेल्स को भी रिमूव करता है, आपकी स्किन पर अगर टैनिंग है, सनबर्न है, तो ये उसे रिमूव करने का भी काम करता है, इतने पावरफुल उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर मिल्क डाल दिया है, अब इसे कुक हो जाने देंगे लो फ्लेम पर जब तक कि जो राइस है वो पूरी तरीके से बॉयल नहीं हो जाते हैं, एकदम चिपचिपे से ये राइस हो जाते हैं। तो लगभग 5 मिनट लगेंगे आपको लो फ्लेम पर इसे पकाने में, आप इसे ढककर पकाएंगे तो शायद 2-3 मिनट ही लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो राइस है वो काफ़ी अच्छे से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया सा टेक्सचर आ गया है राइस का। अभी आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और ये जो राइस है इनको ठंडा हो जाने दीजिएगा। आप अगर दूध नहीं ऐड कर सकते तो आप इसके अंदर पानी ही ऐड करके इसे उबाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिएगा। राइस को ठंडा कर लेने के बाद आपको इसे ग्राइंड कर लेना है अच्छे से और एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। ग्राइंड ये दोस्तों नहीं हो पाएगा अगर आप इसके अंदर पानी या एक्स्ट्रा मिल्क नहीं डालेंगे, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करके और इसे ग्राइंड कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि ये रेमेडी 2-4 दिन तो चल ही जाएगी तो आप पानी आराम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें मिलाएंगे जो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स का काम करेंगे। तो इसको अच्छे से ग्राइंड करके अब यहाँ देखिए हमने बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिया है जो कि क्रीमी टेक्सचर दे रहा है, जैसे मार्केट में आने वाली गाढ़ी क्रीम्स होती हैं बिल्कुल वैसा टेक्सचर दे रहा है। और अगर आप पूरी बॉडी पर लगाना चाहते हैं और ज़्यादा इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं और इसे काफ़ी लिक्विडी बना सकते हैं ताकि पूरी बॉडी पर फैल सके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या काम करती है, ग्लिसरीन आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, मॉइस्चर अच्छा मिलेगा स्किन को तो वो सॉफ्ट और काफ़ी खूबसूरत बनती है, तो ग्लिसरीन वही काम करेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। पुराने ज़माने से ही बादाम का तेल स्किन को निखारने में, स्किन की रंगत निखारने में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए होता है जो कि स्किन को हेल्दी बनाता है, तो ऑटोमेटिकली स्किन का रंग भी निखरता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। ये विटामिन ई ऑयल काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, स्पेशली स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स में डाला जाता है, इसीलिए डाला जाता है क्योंकि ये ब्यूटी को निखारने में, आपकी स्किन को अच्छा बनाने में काम करता है। लेकिन उसमें अदर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि आपकी स्किन को धीरे धीरे काला बना देते हैं, तो वहाँ वो कुछ असर नहीं कर पाता। रेमेडीज़ के साथ अगर आप यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है विटामिन ई कैप्सूल, आप इसकी क्वांटिटी 2 भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर काफ़ी सारे डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, तो विटामिन ई ऑयल की क्वांटिटी आप 2 कैप्सूल कर सकते हैं। देखिए एक रेमेडी मुझे और याद आ गई है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। विटामिन ई का आप इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, अगर आपकी फेस की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है तो आप रोज़ाना विटामिन ई ऑयल और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके अपने फेस पर लगा सकते हैं और आपको मसाज करना है अपने फेस को। अब मसाज करना अगर आपको आता नहीं है, स्टेप्स नहीं पता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर बताइएगा कि वो वीडियो मैं अपलोड करूँ या नहीं। तो दोस्तों सिर्फ आपको ये रेमेडी अप्लाई करनी है रात में और मॉर्निंग में आप अपना फेस वॉश कर लीजिएगा। रोजाना इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगी और जितने भी डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइंस या रिंकल्स आपके चेहरे पर होंगे वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। कोकोनट ऑयल आप इस रेमेडी के अंदर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास आलमंड ऑयल अवेलेबल नहीं है, तो वो भी बढ़िया ही रिजल्ट देता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी फैटी एसिड्स होते हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए अब इस रेमेडी को मिक्स कर लेते हैं और बढ़िया सी रेमेडी स्किन वाइटनिंग क्रीम
क्रीम जैपनीज वाली जो कि हजारों की कीमत में मार्केट में बिक रही है फिलहाल, वो आपके लिए हमने तैयार कर दी है मात्र 20 से 30 रुपए के अंदर। तो ये रेमेडी आप लोग रेगुलर इस्तेमाल कीजिएगा और आपको इतने बढ़िया इसके रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप और कुछ रेमेडी लगाएंगे ही नहीं अपने चेहरे पे। कल परसों किसी का कॉमेंट आया था कि दीदी गोरा करने की रेमेडी बताइए, तो आप ही के लिए है ये रेमेडी, आपके साथ साथ सबको पता लग जाएगी। तो ये रेमेडी आप लोग ट्राई कीजिएगा, हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है, चलिए इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। अब देखिए हमें लाइव रिजल्ट दिखाने हैं, तो यहाँ पर मैं अपने एक हाथ पर इस रेमेडी को अप्लाई करूंगी और दूसरा हाथ ऐसे ही रहने दूंगी और वीडियो के एंड में आपको दोनों में फर्क भी दिखाई देगा। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, पहले तो जहां पर भी आपको इसे अप्लाई करना है स्किन को थोड़ा पोंछ लीजिएगा गीले कपड़े से ताकि गंदगी हट जाए वहां से। उसके बाद आपको अच्छी सी क्वांटिटी में ये रेमेडी लेनी है और ये क्रीम आपको अपने हाथ पर, अभी क्योंकि फिलहाल हम हाथ पर अप्लाई करके दिखा रहे हैं, अपने हाथ पर अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करनी है। मसाज करेंगे तो क्रीम आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगी और स्किन के अंदर जब क्रीम जाएगी तो वो आपकी स्किन को और अच्छा बना देगी। तो मसाज करते हुए लगाइए, एक पैक की तरह नहीं, एक नॉर्मल आपने लेयर नहीं लगानी है, आपको मसाज करते हुए इस क्रीम को लगाना है। जो स्टेप बता रहे हैं वही फॉलो कीजिएगा वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको मसाज करते हुए इस क्रीम को लगाना है सर्कुलर मोशन में जिस तरीके से हम लगा रहे हैं, तो पूरा अच्छी तरीके से अभी क्रीम आप देख सकते हैं एक लेयर के रूप में हमने लगा ली है। अभी आपको क्या करना है, आपको इसे 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ना है अपनी स्किन पर ताकि ये क्रीम अपने रिजल्ट्स दिखा पाए। जी हाँ दोस्तों, 25 से 30 मिनट का वेट कीजिएगा, कुछ भी काम कर लीजिएगा, घर में बहुत सारे काम पड़े रहते हैं और त्योहारों के टाइम पे तो स्पेशली बहुत ही सारे काम होते हैं, तो बस इसे अप्लाई कर लीजिएगा 20-25 मिनट के लिए, अपना जो भी काम करना है आपको कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको दोबारा से इस क्रीम को सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। जी हाँ, लगाते टाइम भी मसाज करना है और इसे हटाते टाइम भी। मसाज करते हुए जब आप हटाएंगे इसे तो जितनी भी डेड स्किन सेल्स होंगी आपकी स्किन पर वो रिमूव हो जाएंगी। जी हाँ, आपको बिल्कुल सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करते जाना है और उसके बाद आप किसी गुनगुने पानी से या फिर नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर ऑयल्स हैं तो आपको बाद में कोई मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का याद रखें कि अगर आप इस रेमेडी को लगा रहे हैं लगातार रोज़ाना पूरी बॉडी पर या फिर फेस पर, तो आपको जो फेस वॉश है वो सिर्फ हफ्ते में एक या दो बार ही इस्तेमाल करना है, बाकी ये रेमेडी अपना काम करती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑयल इसके अंदर हमने इतने सारे यूज़ करे हैं जो नेचुरल है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि अच्छी क्वालिटी के कौन कौन से ऑयल्स हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल यूज़ करे हैं जो कि विंटर्स के लिए परफेक्ट है। आज से ये रेमेडी लगाना स्टार्ट करेंगे तो विंटर्स में आपकी स्किन अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, फटेगी नहीं, तो ये एक और बढ़िया चीज़ हो गई कि विंटर्स में आपके ये क्रीम बहुत काम आएगी। आप इस क्रीम को स्टोर करके रख सकते हैं 4 से 5 दिन और लगातार लगा सकते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में आपको यूज़ करना है रख के इसे, किसी एयरटाइट कंटेनर में आपको इसे रखना है, खुले में ऐसे मत रखिएगा। और जब भी आपको लगे कि क्रीम थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए या उबला हुआ दूध मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सेम तरीके से आप फेस पर भी इसे अप्लाई कर लीजिए, सर्कुलर मोशन में इसे लगाते जाइए अपने फेस पर, क्लीन फेस पर। पहले अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद आपको ये क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करनी है। अब फेस पर तो मैं आधा आधा आपको नहीं दिखा सकती थी दोस्तों, तो इसलिए मैंने ऐसे ही अप्लाई किया है और आपके फेस की रंगत बहुत खिल जाएगी। अभी इवन उस पैक को लगाने के बाद ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं जो स्किन है वो काफ़ी स्मूथ है और ऊपर से ग्लो भी काफी कर रही है। तो आप भी यूज करेंगे तो आपको भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। और फेस पर इसका एप्लीकेशन करने के बाद आपको मसाज करते हुए ही इस क्रीम को रिमूव करना है। अब यहाँ पर मैं एक गीले टॉवल से इसे रिमूव कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को मसाज करनी है पहले और उसके बाद से रिमूव करना है। टॉवल से पोंछ सकते हैं या फिर सीधे अपने फेस को वॉश भी कर सकते हैं। अपने नेक एरिया पर बिल्कुल भी अप्लाई करना मत भूलिएगा क्योंकि फेस और आपकी नेक का जो कलर है वो सेम दिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो मेरा हाथ का कॉम्प्लेक्शन है वो आपको मेरे लेफ्ट हैंड का ज़्यादा ब्राइट दिख रहा होगा और राइट हैंड का थोड़ा उससे डल दिख रहा होगा। ये इस रेमेडी ने फर्स्ट एप्लीकेशन में किया है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट एप्लीकेशन, कोई कोई रेमेडी ही ऐसी होती है जो फर्स्ट एप्लीकेशन में इतना बढ़िया रिजल्ट देती है, उनमें से ही ये आज की रेमेडी है। यकीन नहीं हो रहा है तो ट्राई करके देखिए, सकता है आप में से काफी लोग ट्रस्ट ही ना करें कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये सोचने से अच्छा है कि आप लोग इसे ट्राई कीजिए और रिजल्ट हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों त्योहारों के सीजन में ये वाली रेमेडी आप लोग ट्राई करके देखिएगा, आपको इतनी ज्यादा पसंद आएगी, इसके रिजल्ट इतने औसम हैं। त्योहार बस चल ही रहे हैं तो रोजाना इस रेमेडी को लगाइए। याद रखिए अच्छी सी अच्छी रेमेडीज ही अच्छा से अच्छा रिजल्ट देती हैं, तो अवॉइड कीजिए केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को और आज इसे ट्राई कीजिए। ये होम रेमेडीज और होम रेमेडीज अच्छी अच्छी ट्राई करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके, और इस वीडियो को दीजिएगा एक थम्स अप। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक और कमाल की रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।